हनुमानगढ़ के पास अबोहर में एक ऐसा शख्स है जो रोटी चावल नहीं बल्कि कागज खाता है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा लेकिन ये 100% सच है। उसकी भूख कागज से ही मिटती है। उसकी आदत पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। देखते हैं इस पर ये रिपोर्ट। वो खाता है कागज, कागज से मिटती है उसकी भूख, रोटी से नहीं मिटती है भूख। हो जाता है वो बेचैन जब नहीं मिलता है उसे कागज, फाड़ने लगता है वो कपड़े, लगा देता है घर में आग। पेपर के ढेर के बीच बैठा ये शख्स है ओम प्रकाश। आप इस तस्वीर को देखकर ये सोच रहे होंगे कि इस पेपर के साथ ओम प्रकाश का क्या ताल्लुक। आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि ओम प्रकाश का दाना पानी यही पेपर है जिसके दम पर वो जिंदा है। ओम प्रकाश की भूख रोटी चावल से नहीं मिटती बल्कि इसके पेट की आग कागजों से बुझती है। ओम प्रकाश की माने तो जिस दिन वो कागज नहीं खाता उस दिन वो कोई काम नहीं कर पाता। यही नहीं, अगर इसे खाने में पेपर नहीं मिलता तो घर में आग लगाने लगता है और कपड़े फाड़ने लगता। ये कब खाता है पहले? क्यों खाते हो आप कागज? कागज ये ना खाओ तो काम नहीं होता है मुझसे। सुबह सुबह खाते हो? सुबह नाश्ते के टाइम में खाता है। इसके अलावा? इसके अलावा दिन में खाता हूँ जी। रात को भी खाते हो? रात को खा लेता हूँ, नींद खुल जाए खा लेता हूँ। तो ये कागज खाने के बाद आपको कैसा महसूस होता है? मुझे सही रहता है। आपको ये कागज जब खाते हो तब आपको कैसा लगता है? बढ़िया लगता है, कोई काम मर्जी होगा कैसे करता हूँ। ओम प्रकाश स्कूल के दिन से ही कागज खाने का आदि हो चुका है। इसके घर वाले इस आदत को छुड़ाने के लिए डॉक्टरों से भी दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ओम प्रकाश के पिता रिक्शा चलाकर किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करते हैं। ऐसे में दाल रोटी के अलावा उन्हें ओम प्रकाश के लिए पेपर भी खरीदना पड़ता है और जिस दिन पैसों की कमी की वजह से पेपर खरीदना मुमकिन नहीं हो पाता उस दिन घर में ओम प्रकाश का तांडव शुरू हो जाता है। ऐसे काटता था, हमें कहते भी क्या पता क्या कपड़े को ये क्या नहीं हो जाता। तो क्या ये कागज खाता है? आप अगर इसकी कागज की व्यवस्था नहीं कर पाते हो तो ये क्या करता है? पढ़ाई करते हमारे गर्मी खाते, बाद में हमें पता चला बड़ी माड़ी मोटी किसी को मेहनत की है। नुकसान दो तीन बजे टीवी तोड़ दे दो इसने और नुकसान करता, कपड़े कपड़े फाड़ देता गर्मी में आके, बस पीछे जलाते भाई माड़ा मोटा काम चल जाता है। 40-50 कमा लेते खाए पर वो सब खा जाता है। स्कूल में इसको भेजते थे जो मैडम बैठी होती थी उसकी जो पिया होता था कागज सारे कॉपी को भी सब खा जाता था। ये रोज के 2-3 किलो खा जाता है। डॉक्टरों की माने तो ओम प्रकाश मानसिक रूप से ग्रसित है, उसका किसी अच्छे अस्पताल में इलाज संभव है। इसमें ये नहीं है भी किसी चीज की उसमें कमी है इसलिए खाता है, ये तो उसकी मानसिक बीमारी के तौर पे हम इसको मानेंगे और इसका इलाज संभव है। अगर वो हमारे पास आएगा तो हम उसका फ्री इलाज करने की बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे और मेरा पूरा यकीन है कि वो इस बीमारी से निजात पा सकता है। ओम प्रकाश को फिलहाल कागज खाने से किसी तरह की परेशानी तो नहीं है लेकिन आने वाले दिनों में इसका इलाज नहीं कराया गया तो हो सकता है कि ये आदत उसकी जान के लिए घातक हो जाए। विश्वास कुमार, सहारा न्यूज ब्यूरो, हनुमानगढ़। तो सुनने में बात थोड़ी अटपटी जरूर लगती है लेकिन है बिल्कुल 100% सच कि ये शख्स का पेट तब भरता है जब ये खाता है पेट भर के कागज।